सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह ने आज हैदरनगर प्रखंड स्थित पुरातात्विक महत्व का गांव तथा मौर्यकालीन नगर का भ्रमण किया। साथ में हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण तथा हैदरनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल देव भी थे। कबरा कला के ग्रामीणों ने खेत से प्राप्त हजारों वर्ष पुरानी सामग्री दिखलाई। अधिकारीगण पुराने अवशेषों को देखकर भौचक्के थे। उल्लेखनीय है कि कबरा कला में नव पाषाण काल से लगातार ब्रिटिश काल के अवशेष मिलते हैं। विगत वर्ष 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची शाखा द्वारा यहां उत्खनन किया गया था। अपर समाहर्ता श्री सिंह ने कहा कि कबरा कला इतिहास की धरोहर है, जिसे बचाने की जरूरत है। अनुमंडल पदाधिकारी श्री नारायण ने ग्रामीणों से पुरातात्विक महत्व की सामग्री को सुरक्षित रखने की अपील की है। मौके पर उपस्थित सोनघाटी पुरातत्व परिषद के अध्यक्ष तथा इतिहासकार अंगद किशोर ने बताया कि 2000 वर्ष पूर्व कबरा कला एक व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था। उस समय कबरा कला की स्थिति आवागमन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जंक्शन की थी, जहां से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जाना सुलभ था। ग्रामीणों द्वारा दिखलाई गई पुरातात्विक सामग्रियों में पंचमार्क सिक्के, टेराकोटा के खिलौने, कलात्मक पत्थर, मन के चूड़ियां, सिक्के, चिकना प्रस्तर गेंद, उत्तरकाली पॉलिश भृदभांड, धूसर भृदभांड आदि उल्लेखनीय थे। मौके पर उपस्थित कबरा कला निवासी तथा पंचायत समिति सदस्य राम परवेश सिंह ने हजारों वर्ष पुराना पक्की ईंटों द्वारा निर्मित कुआं दिखलाया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य लोगों में वाणिज्य विश्लेषक राजेश कुमार सिंह के अलावे ग्रामीणों में जुगेश चौधरी, विश्वनाथ पाल, अरुण पांडे, राजेश पासवान, सोनू कुमार, रामराज पासवान आदि उपस्थित थे। हुसैनाबाद से सत्येंद्र कुमार चंदेल की रिपोर्ट।